Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss various issues over higher education. And this time I am going to discuss quality parameters in higher education in NAAC. And the lecture will be useful for your various competitive teaching examinations as well as for your professional and general courses and your subjective and objective examinations as well. So let's start. Higher education. उच्च शिक्षा क्या है? उच्च शिक्षा पर हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस में बात की है. उच्च शिक्षा का अनुसंधान से लेना देना है. उच्च शिक्षा को कई जगह टर्शियरी एजुकेशन भी कहते हैं और पर यहाँ पर चूंकि हम क्वालिटी पैरामीटर की बात कर रहे हैं तो हम उस एंगल से देखेंगे हायर एजुकेशन को. तो ये कह रहे हैं कि हायर एजुकेशन पे हम चार प्रीडोमिनेंट कंसेप्ट हो सकते हैं हायर एजुकेशन के लिए. कौन कौन से? मतलब जो सब प्रीडोमिनेंट कंसेप्ट मैंने यानी कि जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे हैं हायर एजुकेशन में वो क्या है कि इट इज द प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्सेज. यानी कि उच्च शिक्षा जो है वो बढ़िया मानव संसाधन क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्स का प्रोडक्शन करती है. रिसर्च करियर के लिए आपको ट्रेनिंग देती है. टीचिंग प्रोविजन का एफिशिएंट मैनेजमेंट है हायर एजुकेशन. और एक्सटेंडिंग लाइफ चांसेस है, मतलब हमारे जीवन के जो चांस हैं, जो चॉइसेस हैं, उनको एक्सटेंड करती है हायर एजुकेशन. तो ये हायर एजुकेशन का लेना देना है रोनाल्ड बार्नेट के हिसाब से. फिर क्या है हायर एजुकेशन? एक यूनेस्को में एक इंटरनेशनल मतलब रिपोर्ट ऑफ द यूनेस्को इंटरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन हुआ था, जिसको कि पॉपुलरली डेलर्स कमीशन भी कहते हैं, जो 1996 में इसने अपनी रिपोर्ट यूनेस्को को सबमिट की थी. वो कहती है लर्निंग द ट्रेजर विद इन, मतलब ये इंटरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन इन द 21st सेंचुरी, यानी कि 21वीं शताब्दी आ रही थी जब 1996 में इसने सबमिट की. तो इसने देखा कि क्या है लर्निंग का हिसाब किताब, एजुकेशन का लैंडस्केप कैसे चेंज हो गया है. तो इस कमीशन ने पाया कि लर्निंग के या एजुकेशन के चार मुख्य स्तंभ हैं. कौन कौन से? इम्फेसाइज्ड फोर पिलर्स ऑफ एजुकेशन. इसने बात की कि मुख्य चार स्तंभ है शिक्षा के, क्या? लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर, लर्निंग टू बी. बहुत पॉपुलर ये रिपोर्ट है और बहुत अक्सर कई जगह कोट की जाती है. तो ये मतलब कि लर्निंग टू नो, जानना कैसे है ये सीखना, करना कैसे है ये सीखना, साथ कैसे रहना है ये सीखना, और अपने अस्तित्व के बारे में सीखना. तो वो कह रहे हैं कि हायर एजुकेशन ये चारों इनकलकेट करने की कोशिश करती है. इसके अलावा भी कुछ विशिष्ट कार्य होते हैं हायर एजुकेशन के, जैसे स्टूडेंट को रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए तैयार करना, बदलती हुई आर्थिक और सामाजिक दशाओं के हिसाब से हमको स्पेशलाइज ट्रेनिंग कोर्स चलाना, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन को केटर करना, और इंटरनेशनलाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दीजिए. आप अकेले अकेले अपने अपने देश की रिसर्च से काम नहीं चलेगा क्योंकि मुद्दे ही ग्लोबल है. तो अनुसंधान, टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग, इन सबके इंटरनेशनलाइजेशन की बात इस रिपोर्ट ने की. और चार मुख्य स्तंभ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर एंड लर्निंग टू बी. अब बात आती है क्वालिटी की. तो क्वालिटी एक ऐसा शब्द है, हम लोग क्वालिटी पैरामीटर्स सेकेंडरी एजुकेशन में भी बात कर चुके हैं. क्वालिटी एक ऐसा शब्द है जिसके बारे को जिसको डिफाइन करना मुश्किल है कि किसको क्वालिटी कहा जाए. हो सकता है जो हमको क्वालिटी देने वाला लगे वो आपको ना लगे, या जो आपको लगे हमको ना लगे, इसलिए थोड़ा सा इसका. लेकिन फिर भी कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसपे सभी लोग एकमत हो जाते हैं कि हाँ, अगर ये होगा तो कहेंगे कि क्वालिटी है. तो हार्वे और ग्रीन ने 5 कैटेगरी डिफाइन की है क्वालिटी के लिए. एक्सेप्शन, आप एक्सेप्शनल काम कर रहे हैं तो क्वालिटी है. जैसे डिस्टिंक्टिव, विशिष्ट हैं आप, है ना, आपने एक मिनिमम सेट ऑफ स्टैंडर्ड को पास कर लिया है. फिर परफेक्शन, यानी आप ऐसा काम करें जिसमें कोई गलती है ही नहीं, जीरो डिफेक्ट. फिटनेस फॉर पर्पस, यानी कि फिटनेस फॉर पर्पस, फिट हैं आप, किसके लिए? पर्पस आप सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि उद्देश्य में आप एकदम पूरी तरीके से फिट बैठते हैं. वैल्यू फॉर मनी और ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि हायर एजुकेशन तब क्वालिटी देने वाली कही जाएगी जब आप इंडिविजुअल को ट्रांसफॉर्म कर दें, बिल्कुल वो रूपांतरण हो जाए उसका, वो बदल जाए. फिर अप्रोचेस टू क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है, हमको ये मोटा मोटा पता चल गया कि एक्सेप्शनल काम हम कर रहे हों, परफेक्शन के साथ कर रहे हों, और जो पर्पस हो हमारा वो सॉल्व हो रहा हो, सब बढ़िया है. तो फिर कैसे एश्योर करेंगे क्वालिटी? कोई हमको पैमाना बनाना पड़ेगा, कोई तरीका बनाना पड़ेगा, कोई रेगुलेटिंग बॉडी बनानी पड़ेगी जो तय करके हमको बताए कि ठीक है, हमने ये सारे पैरामीटर्स को पार कर लिया है कि नहीं. तो हायर एजुकेशन में 3 तरीके के क्वालिटी एश्योरेंस के हिसाब किताब चलते हैं, अप्रोचेस चलती हैं. कौन कौन सी? एक्रीडिटेशन, असेसमेंट और ऑडिट. एक्रीडिटेशन क्या है? ये एक इंस्टीट्यूशन का इवेल्युएशन है, यानी कि हम किसी संस्था का मूल्यांकन करते हैं.
इस मायने पे, किस पैमाने पे कि वो जो संस्था है, वो जो प्रोग्राम है, वो एक थ्रेशोल्ड स्टैंडर्ड से मिलता है कि नहीं, मतलब मिनिमम स्टैंडर्ड तक वो पहुंच गया है कि नहीं, और ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होता है, और मिशन, रिसोर्सेज और प्रोसीजर्स का एग्जामिनेशन करता है. मिशन कि हम क्या काम, मतलब जो हमारा विजन है उसको हम कैसे अचीव करेंगे, हमारे पास कौन कौन से संसाधन है और हम उसके लिए क्या तरीके इख्तियार करते हैं. असेसमेंट क्या है, इट मेक्स ग्रेडेड जजमेंट अबाउट क्वालिटी, यानी कि गुणवत्ता के लिए ये ग्रेडेड जजमेंट देता है. जब भी हम असेसमेंट करते हैं हमको जजमेंट देना ही देना होता है, और ये थोड़ा सा एक स्टेप एक्रीडिटेशन से आगे है. और असेसमेंट पूछता क्या है, ये पूछता है हाउ गुड आर योर आउटपुट्स, यानी कि जो आपका पैदावार है, जो आप निकल के आ रहा है, जो आपके स्टूडेंट हैं वो कितने बढ़िया हैं. और ऑडिट, देखिए एक्रीडिटेशन और असेसमेंट है का मेन जो मुद्दा है, जो मेन फोकस है, वो क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग पे है, जबकि ऑडिट का है कि हम प्रोसेस क्या फॉलो कर रहे हैं, मतलब वहां तक पहुंचते कैसे हैं. तो ऑडिट क्या है, ए क्वालिटी ऑडिट टेक्स द एक्सटेंट विच द इंस्टीट्यूशन इज अचीविंग इट्स ओन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो ऑडिट करती है टीम हमारे यहाँ, जो ऑडिट करने वाले हैं, वो क्या चेक करते हैं कि किस सीमा तक हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को पा लिए हैं, पाल मतलब कि अचीव कर लिया, हमने प्राप्त कर लिया है. और ये तीन तरीके, ये तीन चीजें चेक करता है, मतलब कि इसकी प्रक्रिया में तीन स्टेप है. पहला क्या है, द सूटेबिलिटी ऑफ द प्लान्ड क्वालिटी प्रोसीजर्स इन रिलेशन टू द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि हमने अपनी संस्था के जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं उसमें जो हमने क्वालिटी प्रोसीजर चुना है, जो हमने प्रोसीजर चुना है वो कितना सूटेबल है, यानी कि वो उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है कि नहीं. दूसरा, कंफॉर्मिटी ऑफ द एक्चुअल क्वालिटी एक्टिविटीज, यानी कि हमने जो चुना है हम वाकई वो करते हैं कि नहीं. और तीसरा, इफेक्टिवनेस ऑफ द एक्टिविटीज, यानी कि जो हम एक्टिविटीज करते हैं वो कितनी प्रभावपूर्ण है उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो हमने कहा है कि हम ये उद्देश्य प्राप्त कर लेंगे. तो ये एक्रीडिटेशन, असेसमेंट और ऑडिट हो गया. तो आपको पता होगा कि भारतवर्ष में और बहुत सारे देशों में एक्रीडिटेशन ही फॉलो किया जाता है क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, यानी हम एक्रीडिटेशन संस्था है जो एक नियामक बॉडी है, एक रेगुलेटरी बॉडी है, हमारे यहाँ नैक है वो करती है. आपको ये भी पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कहा है कि NAC, UGC और इन सबको हम डिसॉल्व कर देंगे और हम एक HECI लेकर आएंगे. और इसने अब जो एक्रीडिटेशन की बात की है वो है नेशनल असेसमेंट काउंसिल, उसमें से एक्रीडिटेशन शब्द हटा दिया है. तो खैर अभी तो क्योंकि वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है तो हम NAC की ही बात करेंगे. तो NAC कब स्थापित हुआ, राष्ट्रीय NPE 1986 और प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 की रिकमेंडेशन थी कि आप एक नेशनल एक्रीडिटेशन एजेंसी बना लीजिए. तो NAC बनाया गया 1994 में. ये एक UGC का ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, मतलब कि उससे स्वायत्त है, मतलब UGC बहुत इस पे गवर्न नहीं कर रही है, ये ऑटोनोमस है. और विद इट्स हेडक्वार्टर इन बेंगलुरु, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में है. और इसका मैंडेट क्या है, इसका विजन क्या है, ये कहता है कि क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए, यानी कि क्वालिटी और हायर एजुकेशन एकदम एक दूसरे के समकक्ष होने चाहिए. विजन क्या है इसका, हम टू मेक क्वालिटी द डिफाइनिंग एलिमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, यानी कि शिक्षा, उच्च शिक्षा में डिफाइनिंग एलिमेंट हम क्वालिटी को बना देंगे. और उसके लिए उसके बहुत सारे मिशन हैं, जैसे एकेडमिक एनवायरनमेंट का प्रमोशन, इनकरेज सेल्फ इवेल्युएशन, हमको खुद अपना इवेल्युएशन करना चाहिए, क्वालिटी रिलेटेड रिसर्च हमारे यहाँ हो, हम दूसरे स्टेक होल्डर्स ऑफ हायर एजुकेशन से कोलेबोरेट कर सकें, एंड ऑल. वर्ड बाई वर्ड नहीं पढ़ रही हूँ मैं, ठीक है. और क्राइटेरिया, क्राइटेरिया देखिए कौन से वो मानदंड हैं जिन पर NAC किसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को असेस करती है, एक्रीडिटेशन करती है और फिर उसको बताती है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं. तो ये सात हैं, आपको बिल्कुल याद होने चाहिए. करिकुलर एस्पेक्ट, पाठ्यक्रम क्या क्या परिप्रेक्ष्य है, टीचिंग लर्निंग एवेल्युएशन कैसा है वहाँ पे, रिसर्च इनोवेशन की क्या दशा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है उस इंस्टीट्यूशन का, लर्निंग रिसोर्सेज यानी लाइब्रेरी वगैरह का क्या स्थिति है, स्टूडेंट के सपोर्ट के लिए क्या करता है वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, गवर्नेंस, लीडरशिप और मैनेजमेंट कैसा है, और इस इंस्टीट्यूशन की वैल्यूज, मूल्य क्या है, किन मूल्यों पर वो आधारित है और सबसे बढ़िया कौन सा काम करता है वो. तो इन सभी क्राइटेरिया के कुछ की इंडिकेटर भी हैं, उनको देख लीजिए तो आपको और क्लियर हो जाएगा. करिकुलर एस्पेक्ट का क्या है, करिकुलम डिजाइन एंड डेवलपमेंट, यानी कि यूनिवर्सिटी के लिए है ये कि यूनिवर्सिटी ने कैसा करिकुलम डिजाइन किया है. और करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन की उसके एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए कि करिकुलम को कितने स्तर, कितना हम इम्प्लीमेंट कर पाए. एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी,
हम बिल्कुल वही, हमको एकदम ढर्रे पे नहीं चलना है, आप फ्लेक्सिबल हैं, आप उसको अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एकेडमिक रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, हम फ्लेक्सिबल होने चाहिए उसको, उसके ट्रांजेक्शन में और करिकुलम के इनरिचमेंट के लिए क्या होता है उस इंस्टीट्यूशन में, और फीडबैक सिस्टम यानी कि हम उसके स्टेक होल्डर मतलब कि जिनका उनसे लेना देना है, जैसे विद्यार्थी हो गए, अभिभावक हो गए, आपके शिक्षक हो गए, सबसे सबसे फीडबैक लेते हैं कि नहीं, फीडबैक का क्या लेने देने का स्टाइल है। फिर टीचिंग लर्निंग एंड इवेल्युएशन में स्टूडेंट जो इनरोल हुआ है उसका प्रोफाइल क्या है, स्टूडेंट अगर डाइवर्स तरीके का होता ही है क्लासेस में, उसके लिए आप क्या करते हैं, आप रिमीडियल क्लासेस चलाते हैं स्लो लर्नर्स के लिए, आप क्या क्या करते हैं, क्या कुछ अलग करते हैं ताकि सारे विद्यार्थियों को आप केटर कर सकें। फिर टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस क्या है, टीचर का प्रोफाइल और क्वालिटी क्या है, जब तक टीचर बढ़िया नहीं होगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बढ़िया हो ही नहीं सकती। इवेल्युएशन प्रोसेस कैसे अपनाते हैं आप, एग्जामिनेशन लेते हैं आप, इंटरनल लेते हैं, एक्सटर्नल लेते हैं, क्या है तरीका। और स्टूडेंट परफॉर्मेंस, सब हो गया, आपने पढ़ा भी दिया, आपने पूछ भी दिया, फिर क्या पता चलेगा स्टूडेंट की परफॉर्मेंस वो कैसी है, लर्निंग आउटकम स्टूडेंट का कैसा है, और स्टूडेंट कितना सेटिस्फाइड है अब अपने शिक्षण संस्थान से। देन रिसर्च इनोवेशन और एक्सटेंशन का क्या हाल है, आप रिसर्च के लिए कौन से रिसर्च फैसिलिटी क्या देते हैं, क्या प्रमोशन के लिए एक्टिविटी करते हैं अपने आप, रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्या है यानी कि रिसर्च के लिए हमको संसाधन का मोबिलाइजेशन क्या है, इनोवेशन का कोई इकोसिस्टम है कि नहीं, रिसर्च पब्लिकेशन और अवार्ड्स कितने मिले हैं आपकी फैकल्टी को, आपके स्टूडेंट्स को, आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं क्या, आपने एक्सटेंशन एक्टिविटी के लिए क्या किया है, आपने कितने और इंस्टीट्यूशंस के संग कोलैबोरेट किया है, सब कुछ बहुत डिटेल है, इसके भी बहुत अंदर इंडिसेस है, इंडिसेस हैं। तो ये तो पहला हो गया क्राइटेरिया, फिर उसके की इंडिकेटर, फिर उससे भी छोटा छोटा उसका भी सब सब पार्ट, और फिर उसके भी क्वांटिटेटिव होते हैं मानक, फिर क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, लेकिन आपको एक स्थिति क्लियर हो जाए कि क्वालिटी के क्या पैरामीटर है हायर एजुकेशन के, क्योंकि हमारी क्वालिटी का एश्योरेंस नैक कर रही है, तो नैक के जो इंडिकेटर हैं हम मान सकते हैं कि वही हमारी क्वालिटी के पैरामीटर्स हैं, कि हम उन मानकों पर अगर खड़े उतरेंगे तो कहा जाएगा कि हम बढ़िया क्वालिटी दे रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और लर्निंग रिसोर्स कैसा है आपके यहाँ, मतलब फिजिकल फैसिलिटीज कैसा, आपका फिजिकल फैसिलिटीज कमरे हवादार हैं कि नहीं, बैठने के लिए कैसी व्यवस्था है, ब्लैक बोर्ड चॉक बोर्ड का क्या हिसाब किताब है, आपके यहाँ वॉशरूम के क्या स्थिति है, वाटर सैनिटाइजेशन सैनिटेशन का क्या है, सब कुछ आ जाएगा फिजिकल फैसिलिटी। फिर लाइब्रेरी एज अ लर्निंग रिसोर्स, लाइब्रेरी देखिए एकदम हार्ट होता है किसी इंस्टीट्यूशन का, कितनी इनरिच्ड है, कितने बढ़िया जर्नल आते हैं, वो ऑनलाइन हो गया है ट्रांजेक्शन, सब कुछ आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं कि नहीं, सब कुछ। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, वाईफाई इनेबल्ड है कि नहीं आपका कैंपस, एवरीथिंग, मेंटेनेंस ऑफ कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या किया जाता है। देन स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन के लिए क्या करता है आपका एचईआई, स्टूडेंट सपोर्ट के लिए कौन कौन से सेल बने हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, स्टूडेंट कितना पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिविटीज में, एलुमनाई है जो पास आउट्स हैं वो कितना इंगेज रहते हैं आपके महाविद्यालय से, आपकी संस्था से, आपके विश्वविद्यालय से, सब कुछ इसमें आएगा। और गवर्नेंस, लीडरशिप और मैनेजमेंट यानी कि इंस्टीट्यूशन का विजन क्या है, जो लीडरशिप है, जो प्रिंसिपल है, जो एचओडी है, जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, वो क्या लीडरशिप कितना बढ़िया से वो मैनेज करता है, कितना डिसेंट्रलाइज है एवरीथिंग, ठीक है। फैकल्टी के एम्पावरमेंट के लिए आप क्या करते हैं, उनको आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट के संसाधन उपलब्ध कराते हैं कि नहीं, उनको उसके लिए छुट्टी देते हैं कि नहीं, उसके लिए आप उनको कोई इंसेंटिव देते हैं कि नहीं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्या है, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम, देखिए आपको पता होगा हर ये मैंडेट है कि हर एचईआई में एक आईक्यूएसी होना चाहिए, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम, एश्योरेंस सेल, तो इसी के अंतर्गत आ जाएगा कि वो इंटरनल क्वालिटी देखे, मतलब आप पहले अपनी गुणवत्ता तो खुद जांच लीजिए, तब तो कोई एक्सटर्नल एजेंसी आपको चेक करेगी। देन इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, कौन से मूल्यों पर आपका संस्थान बनाया गया है, क्या वो समाज को देना चाहता है, वो सामाजिक अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है कि नहीं, सबसे बढ़िया क्या करता है वो आपका इंस्टीट्यूशन, और इंस्टीट्यूशन आपका क्यों डिस्टिंक्ट है बाकी इंस्टीट्यूशन से, ये आपको बताना होगा। ये वो मानदंड हैं जिस पर ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आपकी क्वालिटी कैसी है। तो नैक के पैरामीटर के समकक्ष हम मान सकते हैं कि हायर एजुकेशन की क्वालिटी के पैरामीटर्स हैं, क्योंकि नैक ही हमें क्रेडिट कर रही है। वो तो मैंने आपसे बताई है कि एनईपी 2020 में नैक को हटा के अब एनएसी कर दिया है, वो तो यूजीसी, एआईसीटी, एआईसीटी, एनसीटी सबको ही हटा के एचईसीआई की बात कर रहे हैं, लेकिन जब वो इम्प्लीमेंट होगा तो ये सब कुछ हट जाएगा, फिर हम लोग ये भूतकाल में पढ़ेंगे, फिर हम नई चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो
ये हुआ आपका क्वालिटी पैरामीटर्स इन हायर एजुकेशन. सो थैंक यू ऑल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन. आई होप कि आप समझ गए होंगे उच्च शिक्षा में गुणवत्ता, गुणवत्ता के मानक, गुणवत्ता के मानकों का निर्धारण एंड ऑल. थैंक यू.